आपका आज की वीडियो स्वागत है। सबसे पहले आप सबको हमारी तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी बहुत बहुत ज्यादा मुबारक हो, हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल, और अभी उसी से रिलेटेड हम वीडियो देखने जा रहे हैं जो हमें सजेस्ट की है यश ने, और टाइटल है वीडियो का, टाइटल है एपिसोड 1 मथुरा जन्मभूमि टू गोकुल टू बालदेव फेमस कचोरी एंड महावन भाई एकी मोहन। ओके, सो प्लीज करेक्ट कर दीजिएगा। हाँ, काफी डिफिकल्ट था। नहीं, वो वीडियो में वो भी हमें करेक्ट कर देंगे। ओके, ठीक है। एनीवे गाइस, देख लेते हैं वीडियो किससे पहले। इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर करो, फॉलो करें ये चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल के Instagram लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर करो, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। जय श्री कृष्णा। इस समय हम आपको श्री मथुरा धाम और श्री वृंदावन धाम के दर्शन करवाने लेकर आए हैं। सुबह 8 बजे का टाइम है, हम श्री कृष्ण जन्मभूमि के बाहर खड़े हैं। हमारे साथ इस समय आशु जी हैं। राधे राधे जी। राधे राधे। टूर गाइड है, दिन भर हमारे साथ रहेंगे। कंस का सबसे पहले हम चलकर भगवान के जन्म स्थान के दर्शन करते हैं और फिर आपसे भगवान की लीलाओं के बारे में जानेंगे जी। अगर आप यहाँ पर आएंगे तो मोबाइल फोन कैमरा लेकर जन्म स्थान के अंदर नहीं जा सकते। आपको सामने क्लोक रूम है, वहां पर डिपॉजिट करना रहता है। तो चल के अंदर दर्शन करते हैं आने वाले टाइम। जैसे कि आप जानते ही हैं, भगवान श्री कृष्ण का जन्म देवकी मैया की गर्भ से हुआ। हमने उस कारागार के दर्शन करे जहां पर भगवान का जन्म हुआ। जन्म के बाद वसुदेव जी भगवान को यमुना मैया के उस पार गोकुल लेकर गए। जी जी बिल्कुल। यहाँ से गोकुल कितने दूर है? करीब 12 किलोमीटर है और हमारा अगला पड़ाव जो रहेगा वो गोकुल ही रहेगा जी। अभी देखिए सुबह 8:30 बजे का टाइम है, काफी कोहरा है। 19 जनवरी, यहाँ पर जब आप दर्शन करने आएंगे तो सुबह मैंने बोर्ड पे पढ़ा 5:30 से टाइमिंग्स हैं। 5:30 से रात को आप 8:30-9 बजे तक कभी भी यहाँ पर दर्शन करने आ सकते हैं। मंदिर में हमें यह प्रसाद भी मिला। पोतरागुंड से थोड़ा ही आगे हम तिराहे की ओर आए तो यहां पर हमें एक शॉप दिखाई दी है, ओमा पहलवान कचौड़ी वाले। यहां की कचौड़ी फेमस है, इन्होंने बताया। तो नाश्ते में हमने अपने लिए एक कचौड़ी ले ली है। लो जी, एक बात है, मौसम ठंडा हो ना तो कचौड़ी खाने का मजा ज्यादा आता है। हमारे यहाँ ब्रेकफास्ट में यही चलन है, कचौड़ी बेड़ई और जलेबी। अक्सर लोग नाश्ता करते हैं। मुझे भी बताया, जलेबी के साथ यहाँ पर ना सब्जी का चलन है, मिक्स करके खाते हैं। मेरे को थोड़ी सी आप दीजिए सब्जी इसमें, जलेबी में। बढ़िया, पहली बार सुन रहा हूँ जलेबी और आलू की सब्जी मिक्स करके। इसी शॉप पे हमें चैनल सब्सक्राइबर्स भी मिले हैं, तो आप लोग भी जलेबी कचौड़ी खा रहे हैं, वेरी गुड। मेघालय की हमारी सीरीज से इंस्पायर होके मार्च में मेघालय घूमने जा रहे हो, वेरी गुड। यार हमने ना आज से पहले कभी सुना नहीं कहीं पर जलेबी और आलू की सब्जी का चलन हो। यहाँ सर फेमस है। फेमस है। इनका जो आलू की सब्जी है ना, हींग काफी तेज है उसपे। मतलब आपको पहली बाइट लेते लगता है कि कुछ खा रहे हैं, हींग तेज है। ये कॉम्बिनेशन भी बेहतरीन है, मीठा और साथ में मिर्च। हमने कभी यूज ही नहीं किया। पहली बारी में मेरे को जितना अच्छा लगा था ना, अब और ज्यादा अच्छा लग रहा है। क्या बात है। पहले सर हम जा रहे थे गोवा, फिर हमने कही आपकी इसने ले लिया वीडियो, इसका मुंह में पानी आ गया। मेघालय चलते हैं। बाय 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 बाय। राधे राधे। रमन देती, रमन देती ना। इस समय हम गोकुल के रमन रेती में हैं। गाड़ी खड़ी करने के बाद जैसे ही यहाँ पर हम आए हैं, हमने देखा है यहाँ सामने, देखिए
कितने सारे हिरण और कबूतर हैं जी, बड़ी खूबसूरत जगह जी। तो सामने ये जो भैया जू है जिनके पास जी, ये खिला सकते हैं? बिल्कुल। सो क्यूट, सो क्यूट, कितना प्यारा लग रहा है। काटते हम बस यही सोचते रहते हैं। डर लगता भाई ऐसे बिल्कुल पास में लाइए। आपको डर नहीं लगेगा कार्ड ना ले? नहीं डर लगेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें मतलब पहले ही समझ नहीं आती, बट जानवरों को भी तो वाइब आती है। मुझे डर लगेगा, काफी लोग खिला रहे हैं, डर लगेगा शाम से। अति सुंदर जी, उसको मैं नहीं खिला सकती। हमारे साथ इस समय श्री परमानंद जी महाराज व्यास जी हैं, श्री भागवत का ये पाठ करते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे। हमें आप इस स्थान की महानता के बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं? जी, आप लोग रमण रेती में आए हैं, आपका स्वागत है। यहाँ का ऐसा महत्व है, कहते हैं रमण रेत लेट्यो नहीं कियो ना यमुना पान, रेमन तू समझो नहीं ब्रज को तत्व महान। यहाँ आकर के रमण रेती में लेट लगाना ये अति आवश्यक है, क्योंकि यहाँ मुक्ति की भी मुक्ति हो गई थी लेट लगाने से। रमण बिहारी लाल के दर्शन करने चाहिए तो हम आपसे भी कहेंगे आप हमारे साथ चलेंगे, रमण रीति में चल करके आप भी लेट लगाएंगे, यहाँ की रज मस्तक पर धारण करेंगे तो आपका भी कल्याण हो जाएगा। जय हो, जय श्री राधे राधे। जय हो, क्या बात है, जय हो, जय हो, बोल रमण बिहारी लाल की जय। जिस तरह से आपने अभी यहाँ लेट लगाई है, उसी तरह से भगवान कृष्ण यहाँ लेटते थे। इस ब्रज रज का बड़ा महत्व है, तो इसको अपने मस्तक से लगाइए और आगे की ओर हम आप लोग प्रस्थान करते हैं। बोलिए रमण बिहारी लाल की जय। बड़े अच्छे दर्शन भी हो गए जी, और दर्शन कर लेने के बाद हम लकी थे कि हमने यहाँ पर भोजन भी किया। 12 बजे मंदिर बंद हो जाता है, उसके बाद भोजनशाला में जाकर हमने भोजन किया, और मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि भोजन जब हो रहा होता है तो वहाँ पर मंत्र पढ़े जा रहे होते हैं जी। तो ये जो फीलिंग आती है ना, वो बड़ी यूनिक है जी। तो मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, साथ में सब लंगर कर रहे हैं बैठ कर जी। फिर बाहर आके हमने प्लेट को साफ करके वहाँ पे रख दिया। अब हम यहाँ से कहाँ जा रहे हैं? अब हम यहाँ से आगे चलेंगे, रसखान जी की समाधि है यहाँ से 200 मीटर पर, फिर वहाँ से हम ब्रह्मांड घाट के लिए चलेंगे जहाँ भगवान कृष्ण ने मिट्टी खाई थी। बहुत अब हम आगे के लिए प्रस्थान करते हैं। मतलब उनके चाइल्डहुड के जहाँ जो जगह हाँ। है ना, हम आप सभी रसखान जी की समाधि पर आए हुए हैं। ये सामने रसखान जी की समाधि है जी, और ये रसखान जी एक मुगल परिवार से जन्म हुआ है और बड़े भगवान के भक्त रहे हैं। आइए आज उनकी समाधि के दर्शन करते हैं। अच्छा हो गया यहाँ पर आके हमने रसखान जी के समाधि के भी दर्शन कर लिए जी। इस स्थान पे आके ना एक तो शांति महसूस हो रही है जी, पक्षियों की धीमी धीमी आवाज बहुत अच्छा लग रहा है। पंडित जी ने हमें एक चीज और बताई कि पहले इस स्थान पे पूरा जंगल हुआ करता था जी, मतलब ये पूरा एरिया जंगल था जी। फिर धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हुई जी, और अभी भी अगर यहाँ देखेंगे तो हर तरफ पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे हैं जी, टोटल ग्रीनरी है जी। काफी अच्छा लग रहा है, और गर्मियों का अगर समय हो तो आप किसी पेड़ किनारे छाया में बैठ जाओ तो और आनंद आएगा, ब्यूटीफुल। तो अभी यहाँ से हम जाएंगे गोकुल, ब्रह्मांड घाट, ब्रह्मांड घाट जी। ठीक है, कितने किलोमीटर है ब्रह्मांड घाट? यहाँ से 5 किलोमीटर है ब्रह्मांड घाट। ठीक है जी, ये जो प्लेस देखते हैं, इस प्लेस को बोला जाता है ब्रह्मांड घाट। ये राइट साइड में देखते हैं श्री यमुना जी का दर्शन है। यहीं पर जब माता जी जल लेने के लिए आती थी तो मटके में जल लिया करती थी, भगवान को यहाँ छोड़ देती थी।
तो भगवान ने मिट्टी की छोटी सी गोली खा ली मुँह में। बहुत देर तक उन्होंने मुँह नहीं खोला, जब लास्ट में मुँह खोला तो उनको पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया माता जी को। अच्छा, तो इसलिए इस प्लेस का नाम है ब्रह्मांड घाट। घाट माने बैंक, जो यमुना जी का किनारा होता है उसको घाट बोलते हैं। ब्रह्मांड इसलिए क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मांड दिखाया है माता जी को, तो इसलिए ब्रह्मांड घाट इस स्थान को बोला जाता है। आइए चलिए मंदिर का दर्शन करते हैं आप। ये देखिए एक स्पेशल बात है इस टेम्पल में, वो ये है कि आपने जगह जगह दर्शन किए होंगे, लड्डू पेड़े बर्फी के भोग लगते हैं, लेकिन यहाँ आज भी ब्रह्मांड बिहारी को ये मिट्टी के गोले जो होते हैं, जो भगवान ने खा करके दर्शन कराए थे, इसी का भोग मिलेगा, फिर हमको रिटर्न में प्रसाद ही करके मिल जाता है। हमने कभी आज से पहले कहीं जी कभी भी नहीं, कभी ना देखा ना कभी सुना जी। तो आपको कैसी अनुभूति हुई इस मंदिर में आकर के? अति सुंदर, अति सुंदर जी, बिकॉज यहाँ पर भगवान ने माता जी को ब्रह्मांड के दर्शन कराए हैं, तो ये बड़ी भाग्य की बात है कि हमारा यहाँ आना हुआ, आपके भाग्य में लिखा था। और ये जो रज है इसको मस्तक में लगाना रोज, इससे आपकी चित्त बुद्धि खूब स्वस्थ रहेगी और सुखी रहेंगे आप, निरोगी रहेंगे। इसको रोज मस्तक में लगाना और थोड़ी सी मुख में डालना। अब यहाँ से हम चलेंगे, श्री यमुना जी का पान करेंगे और फिर यहाँ से अपनी यात्रा को चिंतारण महादेव जी लेकर के चलेंगे। ठीक है भैया जी, धन्यवाद। आई आइए, मैं आपको यमुना जी का पान कराता हूँ। ऐसा कहा जाता है, संत लोग कहते हैं कि आप जैसे गंगा जी जाओगे, सब जगह आओगे तो आपको स्नान करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ यमुना जी में आपको पान करने से भी, यानी आचमन करने से भी वही लाभ मिलेगा जो स्नान करने से मिलेगा। लीजिए, और यहाँ श्री यमुना जी को प्रणाम करेंगे उनके श्री चरणों में, क्योंकि ये भक्ति की दाता हैं। भगवान के सर्वप्रथम श्री यमुना जी ने ही चरणों को छुआ है। दंडो ऐसे प्रणाम करेंगे, तो अभी हम ब्रह्मघाट के ब्रह्मांड घाट जो है उसके गेट पर आ चुके हैं। और लेफ्ट साइड में देखिए गोकुल है, यहाँ से 6 किलोमीटर दूर गोकुल गांव है। अच्छा, और यहाँ से 1.5 किलोमीटर है चिंतारण महादेव, ये बोर्ड पे भी लिखा हुआ है जी, बिल्कुल। तो अभी हम वहां के दर्शन करेंगे। यहाँ यशोदा मैया की चिंताओं का हरण किया है महादेव जी ने, काफी जगहों पर है ना, मतलब बोलिए चिंतारण महादेव की जय। जो आप स्थान देख रहे हैं इसको चिंतारण महादेव कहते हैं जी। जब भगवान ने माँ यशोदा को ब्रह्मांड का दर्शन कराया था तो माँ यशोदा को चिंता हो गई, तो यहाँ भोले बाबा के पूजा करने के लिए आई, पूजन किया तो माँ यशोदा की चिंता का हरण हुआ। यहाँ दर्शनार्थी आते हैं भोले बाबा के सामने, दर्शन करते हैं तो उनकी चिंताओं का हरण हो जाता है, इसीलिए नाम है स्थान का चिंता हरण महादेव। चिंतारण महादेव जी के बहुत बढ़िया दर्शन हो गए जी, बिल्कुल। थोड़ा वॉक करेंगे? हाँ जरूर, और फिर वहां से हम गोकुल जी, बिल्कुल। और मैं आपको यह ब्रिज की खेती के बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा, जब हम चलते चलेंगे तो रास्ते में सरसों के खेत आएंगे, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। राधे राधे। राधे श्याम। वॉक करते करते हम सरसों खेत किनारे पहुंच चुके हैं, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर खड़े होके, मतलब मैं तो हैरान हूँ। जिधर नजर मारो आपको येलो कलर के फ्लावर्स देखने को मिलेंगे जी जी जी। तो यहाँ सरसों की फसल ज्यादा होती है, आलू होते हैं, गेहूं होते हैं, पर सरसों में किसान को ज्यादा लाभ होता है और ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो इस एरिया में सरसों की मिल भी होगी? हाँ है, कई सारी मिल हैं जहाँ पर किसान अपनी सरसों को ले जाते हैं और जरूरत के आधार पर वो सरसों का तेल ले लेते हैं और कुछ सरसों को बिक्री भी कर देते हैं जी। आओ चलते हैं गोकुल की ओर जी, बिल्कुल। जी अभी हम आ चुके हैं गोकुल में और आप ये घाट देख रहे हैं, श्री यमुना जी हैं
जो कि सबसे पहले तो दिल्ली से आ रही हैं वृंदावन को, वृंदावन से मथुरा, मथुरा से गोकुल, ऐसे होती हुई आगरा को जा रही हैं। तो ये ठकुरानी घाट पर अपन ने गाड़ी पार की। अभी हम थोड़ी देर पहले इसी बैराज से पार करके आगे ब्रह्मांड घाट को गए। जी बिल्कुल, काफी बड़ी है ना। ये देखिए आप पहली पेंटिंग में देख सकते हैं कैसे भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव जी ने भगवान को टोकरी में लिटा करके मथुरा से गोकुल लेके आए हैं। ये आप उधर में देखिए मथुरा है, इधर में गोकुल है। तो यहीं पर श्री यमुना जी ने भगवान के चरणों को छुआ है, तो ये उसका दृश्य है। चलिए मंदिर की तरफ चलते हैं। ये जो स्थान देखते हैं आप, ये वही स्थान है जब भगवान के जन्म से पहले यशोदा मैया और नंद बाबा यहीं रहा करते थे। तो वसुदेव जी मथुरा से भगवान को यहीं छोड़ करके गए और योग माया जी को यहाँ से लेकर के गए। आइए मंदिर का आप दर्शन करते हैं। नंद बाबा के मंदिर में आकर हमने माथा टेका, प्रसाद लिया, झूला झुलाया, पंडित जी ने हमें दर्शन कराए। सामने बलराम जी जब वो राजा बने थे, ये उस समय का विग्रह है। एक तरफ नंद बाबा, दूसरी तरफ यशोदा मैया, सामने आप देख रहे हैं बलराम जी, उनकी पत्नी रेवती जी, इस तरफ भगवान श्री कृष्ण और उनकी बहन योग माया, और यहाँ पर बाल कृष्ण। तो ऐसा जब श्रद्धालु आते हैं तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण के बाल रूप का जो को झूला झुलाते हैं। अति सुंदर जी। जय हो, जय मेरे ठाकुर जी की। अपने मंदिर के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए और आपने देखा होगा कितने पुराने विग्रह हैं, उनको अभी तक जैसे कि तैसे बना करके रखा है। तो ये इसमें झांकियों के दर्शन कराए गए हैं, कैसे वसुदेव जी भगवान कृष्ण को मथुरा से यहाँ लेकर के आए। देखो श्री हरि, पहले भी मैंने कहा था शायद लिखा हुआ उस टाइम के। ये देखिए उखल बंधन है, पहले बहुत ऊंचा उखल था, तो जैसे जैसे यहाँ भरती गई तो उखल बिल्कुल नीचे हो गया है। आप देख सकते हैं माता जी ने जब भगवान उद्यम करते थे तो भगवान को उखल से बांधा, तो कई बार प्रयास करने से भगवान नहीं बंधे, पर प्रेम की रस्सी से भगवान उखल में बंध गए। ये वहाँ की लीला है। अच्छा, ये वही उखल है। जी बिल्कुल, बड़ा नल कुंवड़ मणिग्रीव नाम के दो गंधर्व सरोवर में स्नान कर रहे थे। नारद जी जा रहे थे, नारद जी को प्रणाम नहीं किया। नारद जी को क्रोध आ गया, संत को प्रणाम नहीं किया। एक जड़ की तरह से खड़े हो, श्राप दे दिया कि तुम जड़ की तरह खड़े हो तो जड़ हो जाओ, वृक्ष हो जाओ। उनको ज्ञान हुआ, नारद जी के पास गए कि प्रभु आप हमें क्षमा करें, हमसे गलती हो गई, तो हमारे उद्धार का आप कारण बताइए, हमारा उद्धार कैसे होगा। तो उन्होंने कहा नंद बाबा यशोदा मैया के आंगन में तुम दोनों वृक्ष जा करके बनोगे, भगवान तुम्हारे लिए आएंगे, अपने हाथों को बंधवाएंगे मैया यशोदा से, जैसे ही भगवान वहाँ के निकलेंगे स्पर्श होगा तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो वही है स्थान है, भगवान ने इसलिए दामरी बंधन लीला की, इसे दामरी बंधन लीला, दामोदर लीला कहते हैं। वो अपने हाथ बंधवाए। जी जय हो, जय हो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, दामोदर भगवान की जय। ये जो प्लेस देखते हैं इसको नंद चौक कहा जाता है, ये गोकुल का मेन प्लेस है नंद चौक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कई प्रकार की दुकानें हैं, कई बहुत सारी दुकानें हैं, जैसे कि आप देखिए यहाँ मूंगफली बिक रही हैं, उधर में गजक है, अंदर में समोसे हैं, पराठे हैं, पर यहाँ का जो स्पेशल है वो सब्जी और पराठा है। अच्छा, तो आपको टेस्ट कराते हैं सब्जी और पराठा, आप उसको खाने के बाद में बहुत अच्छा महसूस करेंगे। यहाँ पर जी आओ जी। वैसे काफी पुराना शहर लगता है ना। भाई साहब, आप पराठा सेक रहे हैं? हाँ जी, पराठा। ये किसका पराठा है? ये मिक्स आटे का पराठा है, चार आटे मिक्स बनते हैं, मिक्स होती है उसका ये पराठा बनता है, जैसे कि गेहूं, चना, जौ और मकई। गेहूं, चना, जौ और मकई, चार आटे मिक्स करके आप ये पराठा बनाते हैं? हमें दीजिए। क्या कॉस्ट है इसकी?
ये 30 रुपए का 100 ग्राम है, 30 रुपीज 100 ग्राम। ओहो बड़ा हैवी होगा। तो ये यहाँ का फेमस है, फेमस होता है। इसको किसके साथ खाते हैं? इसके साथ मिक्स भाजी आती है, उसके साथ खाया जाता है ये पराठा। अच्छा ये अच्छा ये भाजी है जी, ये भाजी, ये भाजी में क्या 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 सब्जी है इसमें? इसमें आलू है, गाजर है, गोभी है, चने है। जैसे अपन ने सुबह नाश्ता किया कचौड़ी और जलेबी का, बेड़ई का, तो हमारे यहाँ चलन में जो सुबह में नाश्ता करते हैं तो बेड़ई कचौड़ी का, शाम को पराठा है, समोसे हैं, और यहाँ मंगोड़े आप देख सकते हैं, दाल बाटी है, तो इनका चलन रहता है शाम को। अच्छा हाँ, यदि आप आएंगे तो बहुत अच्छा महसूस करेंगे। इस गाँव की पॉपुलेशन कितनी होगी गोकुल गाँव की? करीब 8 से 10 हजार लोगों की यहाँ पर आबादी है। अच्छा 8 से 10 हजार लोगों की, और कुछ यहाँ से बाहर भी रह रहे हैं, मुंबई है, गुजरात है, लोग यहाँ से बाहर भी रह रहे हैं। लो जी आज यहाँ पर गोकुल के मलाई पराठे का आनंद ले रहे हैं सब्जी के साथ। क्या बात है, बिल्कुल इसीलिए मैं आपको इधर लेके आया, इसको आप भूलेंगे नहीं। परांठा तो स्वादिष्ट है ही है, इसमें तो कोई शक नहीं, क्योंकि इसमें चार तरह के आटे का मिक्स है। मेन मेरे को सबसे ज्यादा स्वाद लग रहा है ना, वो ये सब्जी है जी, बिल्कुल। और कम से कम इसमें 6 से 8 अलग अलग सब्जियों को मिला के बनाया गया, ऊपर नींबू डाल दिया तो खटास आ गई है भाई साहब, मजेदार, दिल खुश हो गया, अत्युत्तम। हाँ ये है कि घी की फुल लोडिंग है, क्योंकि सामने आप देख रहे हो हो रहा है, थोड़ा सा हैवी है लेकिन वेरी टेस्टी। गर्मी मुझे लग रहा है, आनंद आ गया। हमें अभी इन्होंने बताया ब्रज की खाने में 3 चीजें जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। एक है मथुरा के पेड़े, दूसरा गोकुल का परांठा, और तीसरा है हाँ महावन के खीरमोन। ये महावन कितना दूर है यहाँ से? करीब बता रहे हैं, जैसा कि ये बता रहे हैं, 3 किलोमीटर एक शॉर्टकट वे है। यदि हम आउटसाइड से होकर के जाएंगे वो बिल्कुल नीट एंड नाइस रोड रहेगा, वो करीब 8 किलोमीटर है। 8 किलोमीटर जी। हमने सुना यहाँ की रबड़ी भी फेमस है, बहुत सुंदर है, क्योंकि यहाँ गऊ के दूध से रबड़ी बनती है। चलो इसके बाद रबड़ी भी खाएंगे जी, बिल्कुल। परांठा और लोगे? नहीं जी नहीं, हम ब्रजवासी लोग मिर्च का कम पसंद करते हैं, हम मीठा ज्यादा पसंद करते हैं, तो अभी बस रबड़ी लेंगे, क्योंकि हम जितना मीठा खाते हैं उतना ही तो मीठा बोलते हैं ना। क्या बात है बच्चों, क्या खाओगे आप? परांठा खाओगे? सबको आप परांठा दे दो। परांठे के साथ कुछ और खाओगे? समोसा खाओगे? समोसा भी दे दो सबको, सबको एक एक परांठा दो, एक एक समोसा दो, और इसके बाद मीठे में भी कुछ खाना है तो ये भी खा सकते हो, लड्डू भी खाओ आराम से साइड में बैठ के खाओ। चलो बेटा लो। कुछ पढ़ाई वगैरह करते हो? कहाँ जाते हो पढ़ने? बैठो बैठो आराम से बैठो। तो कैसा रहा पराठे का आनंद? दिल खुश हो गया, मतलब सही बताऊं भैया, आज वाकई आके ना बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे। मैंने तो और आइटम नहीं खाई, मेन मेरे को एक समझ में ये बात आई है, परांठा और सब्जी आपका बड़ा बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। तो देखिए हमारे गोकुल की मिठाई की दुकान है, इनकी रबड़ी बहुत फेमस है, आप खाना पसंद करेंगे? बिल्कुल करेंगे जी, बिल्कुल। इनको 100 ग्राम रबड़ी खिलाएं। रबड़ी के साथ साथ मैं थोड़ा सा गाजर का हलवा भी खाना चाहता हूँ जी। गोभी साथ रखी हुई है, अलग दुकान है। अच्छा मुझे तो कैसी लगी आपको रबड़ी? क्योंकि बिल्कुल शुद्ध गाय के दूध से बनती है। मैं बोलने वाला था जी, एकदम शुद्ध है जी, वेरी टेस्टी जी। परांठे के बाद रबड़ी और इसके बाद गाजर का हलवा जी, बिल्कुल। क्या बात है, कैसा लगा गाजर का हलवा? अच्छा है जी, अच्छा स्वाद है, और आपको इसकी फ्रेशनेस लग रही होगी कि ये बिल्कुल ताजी है। नो डाउट, नो डाउट। एक बात हो रहा है, ये जो अंगीठी में इसको गर्म कर रहे हैं ना, उससे इसमें ना
एक स्मोकी सा फ्लेवर आ गया। जी 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 बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है ना। लकड़ियों का अभी हम कहाँ चलेंगे? अभी हम यहाँ से सीधा हलुआ पाके सीधा महावन जाएंगे। 8 किलोमीटर जी बिल्कुल। धुंध खत्म हो गई वैसे ना कम में। काफी पेंटिंग्स है ना। हाँ That's short, सही है। Wow. Nice. हाँ अच्छा मुझे लगता है जिन गलियों में होके हम आ रहे हैं ये वही गली हैं जहाँ भगवान कृष्ण माखन मिश्री की चोरी करते थे। ब्रज गोपियाँ पीछे से दौड़ करके आती थी भगवान को पकड़ने के लिए। भगवान गलियों में छुप जाते थे और वो जो आप स्थान देख रहे हैं पीछे से गोपी भाग करके आ रही है, भगवान छुप गई बगल में और गोपी आगे निकल गई। ये बड़ा दिव्य स्थान है। यहाँ गलियाँ होती थी, कच्चे मकान होते थे और लताएं होती थी, वृक्ष होते थे। यही इस ब्रज का गोकुल का आनंद है। वैसे एक बात है, यहाँ पर आके ना आपको वो भाव जैसे अपने मन में लाते हो कि लाओ कि उस समय कैसा होता होगा तो पूरी पिक्चर आपके माइंड में बन जाती है। पूरी बन जाती है। हमको ऐसा लगता है कि हम साक्षात भगवान कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं। अति सुंदर। आइए जी लगभग 15-20 मिनट का सफर करके हम महावन पहुंच चुके हैं। जैसे ही महावन एंटर किए मैंने देखा लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ नाना करते भी 25 से 30 दुकानें होंगी जो मिठाई की हैं। जी ठीक है। इन्हीं में से इस शॉप में ये हमें लेकर आए हैं मदन का लाला खीर मोहन वाला। यहाँ पर चल के खीर मोहन टेस्ट करेंगे। इन्होंने बताया जैसे रसगुल्ला चाइना से तैयार होता है ठीक उसी प्रकार खीर मोहन को भी चाइना से ही तैयार करते हैं। सिर्फ चाशनी कड़क रहती है मतलब मीठा ज्यादा रहता है। साथ में थोड़ी सी कह रहे हैं सूजी और मैदा इस्तेमाल करते हैं। लो जी अब इसको टेस्ट करते हैं। कैसा लगा आपको? एक बात है रसगुल्ले से तो इसका कंपैरिजन ठीक नहीं है क्योंकि रसगुल्ले का स्वाद अलग है इसका स्वाद अलग है। हाँ ये है कि चाशनी कड़क है जैसे आपने बताया ना मीठा तेज है तो यहाँ के लोग मीठा पसंद करते हैं ना। सही कहा आपने। 100 रुपया पर किलो इसका रेट है। 15 दिन तक आपने बताया रूम टेम्परेचर में चल सकता है। वेरी गुड। हम दाऊजी महाराज के मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। गाड़ी पार्किंग में खड़ी हो चुकी है। यहाँ से कितना आगे जाना होगा? करीब 200 मीटर की दूरी पर हम दाऊजी के दर्शन करेंगे जो मंदिर है। तो चलें आइए। अब देखिए हम मंदिर के प्रांगण में पहुंच चुके हैं जो दाऊजी महाराज का जो टेंपल है। चलिए मंदिर के दर्शन करते हैं। जी कहिए श्री दाऊजी महाराज की जय। आनंद की जय। राधा रानी की जय हो। डंडो। अभी हमने श्री दाऊजी महाराज के दर्शन करे। मैंने नोटिस किया गर्भगृह के अंदर कोई लाइट नहीं है जी। तो जो दर्शन होते हैं वो दीपक की रोशनी से होते हैं जी। तो उसी में दर्शन होते हैं। बहुत अच्छा लगा। ये मैं जानना चाहता हूँ इस समय हमारे साथ मंदिर के एक ब्राह्मण है तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि उनकी जो पत्नी है रेती मैया जी उनके दर्शन उनके साथ यहाँ पे क्यों नहीं होते? ये दाऊ जी महाराज रेवती मैया दाऊ जी से दो योग बड़ी थी तो इनको जब वर नहीं मिल पाया तो उनके अनुसार दो योग बीत गए तो दो योग बीतने के बाद ब्रह्मा जी ने उनको वर बताया। वर बताने के अनुसार क्या कहते हैं वो ब्रह्मा गए वर को देखने के लिए गए तो दाऊ जी महाराज उनको वर के रूप में मिले तो दाऊ जी महाराज से ये दो योग बड़ी थी तो बड़ी होने के कारण दाऊ जी महाराज ने अपने हलमूसल से इनको दो कद नीचा कर दिया और मर्यादा के रूप में यहाँ पर प्रतिमाएं विराजित हैं और यहाँ पर सुबल तो श्री दामा तीन सखा विराजे हुए हैं इसलिए मर्यादा रूपी में ये कोने में विराजी हुई है। और घी का प्रश्न ये है कि दाऊ जी महाराज के मंदिर में काफ़ी लाइटें हैं परंतु घी का ठाकुर जी के यहाँ लाइट सोवा दाऊ जी शेषा अवतार हैं शेषों को लाइट नहीं अच्छी लगती है इसलिए दाऊ जी महाराज घी के रूप में एक दीपक के रूप में यहाँ रोशनी प्रज्वलित की जाती है।
लाइट की व्यवस्था नहीं अंदर गर्भ में। जैसे अभी कलयुग चल रहा है तो हम लोग की जो हाइट है एवरेज वो 5.5-6 feet 6.5 feet होती है, इससे पुराना जो युग था उस समय 10-12 feet होती होगी। तो आप बोलना चाहते हैं जो रेवती मैया हैं वो सतयुग के समय की हैं जी, तो उस समय उनकी हाइट ज्यादा होती होगी, कम कर दी, इसलिए क्या कहते हैं उन्होंने दाऊ जी महाराज ने उनको दो कद नीचा कर दिया, दो हल्के अपने प्रहार से तो दो कद नीचा कर दिया। बताइए कितनी कैसी कथा है जी, बिल्कुल हमें इसके बारे में ज्यादा नहीं पता था, बहुत अच्छा। तो अब दर्शन कर ले, हाँ रेवती जी के जी, अब चलेंगे रेवती मैया के दर्शन। श्री दाऊजी महाराज के दर्शन कर लेने के बाद हम परिक्रमा कर रहे थे तो यहाँ पर साइड से हमने रेवती मैया जी के दर्शन करे। मैंने नोटिस किया श्री रेवती मैया दाऊजी महाराज को सामने से निहार रही हैं, वो उनके साथ नहीं खड़ी हुई, उनके सामने कह लीजिए थोड़ा साइड में, वहाँ से उनको देख रही हैं। इसी बात को समझने के लिए हमारे साथ इस समय मंदिर के सेवायत हैं, आप हमें कुछ जानकारी दे सकते हैं ऐसा क्यों कि वो उनके साथ नहीं है? जैसा कि दाऊजी महाराज के साथ में उनके दो बाल सखा उनकी दोनों जंघाओं पर विराजमान है, तो हमारे धर्म में जैसे या साइड में वो आ जाएंगी तो उनकी धर्मपत्नी कहलाएंगी, तो इस वजह से रेवती मैया को दाऊजी महाराज ने आदेशित किया कि आप मेरे को हर पल निहारती रहें, तो मेरे सम्मुख खड़ी होकर मेरे को निहार कर देखती रहें, तो हम दोनों के बीच में जो वैवाहिक संबंध है उसमें कहीं किसी प्रकार की कमी ना आ सके। जी अति उत्तम। हमने यहाँ की होली के बारे में भी कुछ जाना है कि बड़ी विश्व प्रसिद्ध होली है। हमारे यहाँ की होली कहावत है ब्रज में होली है कि दाऊ जी का हुरंगा होता है, 45 दिन चलने वाला ये पर्व बलदेव का सबसे बड़ा पूरे विश्व प्रसिद्ध, आपको चलिए मैं उसका पूरा एरिया दिखाऊं कैसे कहाँ मनाया जाता है। दाऊ जी की होली के रूप में हुरंगा कहा जाता है, जो होली के 30 दिन मनाया जाता है, इसका मतलब होली का बृहद रूप बहुत जबरदस्त रूप होता है। इसको मनाने के लिए मंदिर प्रशासन की ओर से आपको जैसे ये दिख रहे हैं ये पूरे अंडरग्राउंड में 6 फीट गहरे टैंक हैं, अच्छा। इनमें 5 बोरिंगों का पानी चलता रहता है और कलर टेसू के फूल से बनाया हुआ रंग बना होता है। चारों ओर ये बरामदे आपको आज खाली दिख रहे हैं, इनके ऊपर एक मंजिल और बनाई जाती है लकड़ी की तख्तियों से बना के बेंच नुमा, और चारों ओर गुलाल के फूल, रंगीन गुलाल, बीसियों तरह के गुलाल ऊपर से उड़ाए जाते हैं। जनमानस इतनी भीड़ भाड़ देश विदेश के लोग से आते हैं देखने के लिए, जो देखते ही बनता है, जिसके देखने के लिए देवता भी तरसते रहते हैं, ऐसा मनोहारी दृश्य होता है। जिसको यहाँ के सेवायत लोग खेलते हैं अपने आपस में कल्याण बल से, वो इसको होली को खेलते हैं, सभी लोगों को देखने का मौका मिलता है, बहुत ही अच्छे होता है। जैसा कि आप देखते हैं इतना असंख्य भीड़ होती है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप देखिए कहीं ये हुरंगा की फोटो होती है, ये इस तरीके बेहद होता है, देखिए इसको देखने के कितने कितने हजारों लोगों की इस जगह, जी हजारों की संख्या, हम असंख्य मतलब हम गिन नहीं सकते, खड़े होने तक हाँ। जगह नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो चाहूंगा कि आप होली उरंगा देखने के लिए ब्रज में पधारे हुए हैं तो ये दाऊ जी आइए और आके होली उरंगा का आनंद लीजिए, देखने को मिलेगा आपको कितना बढ़िया जगह है, आनंद आता है। दाऊ जी महाराज की जय। धन्यवाद। श्री दाऊजी महाराज के दर्शन करके हम पार्किंग के पास तक आ चुके हैं, इस समय 8:15 का टाइम है जी, सुबह 8 बजे का टाइम था जब हम श्री कृष्ण जन्मभूमि के बाहर खड़े थे, और इस समय 8:15 यानी 12 घंटे से ऊपर का टाइम हो गया, और ये पूरा समय ऐसा लग रहा था पल भर में निकल गया। बहुत अच्छा दिन था आज का, आप हमें जगह जगह लेकर गए और बहुत अच्छे दर्शन करवाए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। कल हमारा प्रोग्राम ये है, कल हम लोकल वृंदावन में रहेंगे, तो आप हमारे साथ कल भी रहेंगे जी, रहेंगे, और कल भी दिन की शुरुआत हम थोड़ी जल्दी करेंगे, बिल्कुल कोशिश करेंगे 7 और 7:30 के बीच में हम शुरुआत कर सके, ठीक है। अब यहाँ से वृंदावन लगभग 35 किलोमीटर दूर है जी, ठीक है, पहुँचने में हमें 1 घंटा लगेगा, तो अब चलते हैं वृंदावन और आपको यहीं पर बाय बाय कर देते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। देखिए बेड़ा ही कैसे फुला के दी है,
मेरे को याद आ गया जब मैं आगरा गया था वहां पर भी मैंने जगह जगह बेड़े ही नाश्ते में खाई थी। यहाँ का भी ये फेमस ब्रेकफास्ट है और आगरा का भी। चलो जी टेस्ट करते हैं। तो पिक्चर बना रही हूँ सेवा भक्ति तो करके जाओ। वीडियो देखते देखते ना मेरे जहन में एक बात आ रही थी कि भाई जो लोग जो है ना जितने भी स्थान हमने जो है वो देखे हैं वहाँ पर रहते होंगे या जिनके अपने वहाँ पे जाती घर होंगे वो तो अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझते होंगे। बिल्कुल, आप एक ऐसी मतलब भूमि में रह रहे हो जहाँ पर मतलब आप देखो कि श्री कृष्णा जी ने अपना बचपन गुजारा और हम लोग जो जैसे महाभारत में देखते हैं ऑनेस्टली ये हकीकत है कि आप जब सुनते हो ना कथा कोई भी सुनते हो तो आपके ना माइंड में वही चीजें वो चलना शुरू हो जाती है जैसे वो बचपन में बता रहे थे कि इन गलियों से वो भागते हुए जाते थे यहाँ पर छुप जाते थे और एग्जैक्टली बिल्कुल और या मट्टी खा लेना तो मतलब वो आपके माइंड में उसी तरीके से चल रहा होता है। लेकिन मुझे जो स्टार्टिंग में मतलब मैं देखना चाह रही थी क्योंकि हम लोगों ने महाभारत में ये देखा है कि जिस तरीके से श्री कृष्णा जी पैदा होते हैं जिस स्थान पे तो लेकिन ये कि अंदर वहां पर जाने की इजाजत नहीं है। सो क्यूरियोसिटी तो बहुत होती है देखने के लिए कि मतलब वो जगह कैसी होगी। लेकिन मैं ये बात बोलूँगी कि इस एपिसोड में हमने काफ़ी ऐसी जगह देखी है जहाँ पर लॉर्ड कृष्णा जी ने अपना बचपन जो है वो गुजारा। जैसे रमन रेती की बात करें तो मतलब मुझे अब समझ में आ रहा है कि रमन रेती लाइक वो वहाँ पर ऐसे खेला करते थे अटकेलियाँ जैसे बच्चे लेते हैं ना उस तरीके से। तो मतलब वो एक सेक्रेड प्लेस है। सो इन रिस्पेक्ट जिस तरीके से मतलब वहाँ पर लोग जाकर उसी तरीके से मतलब उसी रिचुअल को फॉलो करते हैं। अच्छा कल्याण का क्या मतलब हुआ मौजूद मतलब यार मुझे कल्याण हो मतलब मिल जाता है मुझे मुक्ति मिल जाती है क्या इसका मतलब ये क्या है यार सुना है मेरे ना इस टाइम जेन से निकले कल्याण का जो है मतलब जो है कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि मतलब इसका क्या मतलब है। लेकिन ये कि मैं कहूँगी कि आज हम लोग जो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर गए हैं तो काफ़ी खूबसूरत जो जगह है ना वो आपको देखने। अच्छा जगह जो है ना घूमने का जो वहाँ के लोकल गाइड होते हैं या वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं या जैसे बीच में उनके साथ जो उनके जो साथी थे जो उन्हें जो है वो गाइड कर रहे थे तो आपको जो है ना घूमने का ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि आप जो है ना चीज़ों को बड़ी बारीकी से घूम भी सकते हो जान भी सकते हो। जैसे वो जहाँ पर जो कृष्णा जी जो थे अपने बचपन में उन्होंने जो है मिट्टी जो है वो खा दी थी तो जो यशोदा मियाँ जो थी उन्होंने जब वो निकालने के लिए उनका मुंह खोला तो पूरा ब्रह्मांड जो है वो दिखाई दिया। हाँ। तो वहाँ पे जो टेंपल बनाया गया है वहाँ पर देखा जाए तो आपको वो मिट्टी की जो एक प्रसाद हाँ लड्डू हाँ, बिल्कुल वो प्रसाद में जो है वो चढ़ाए जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो हर जगह की जो है ना एक वो खासियत है। उसको जो है बरकरार रखना मेरा ख्याल है ये जो है ना आपको अपने कल्चर और उस टाइम पे होने वाली चीज़ें जो है वो युग युग तक जो है ना ये खैर युग तो एक बहुत लंबा टाइम होता है आपको टाइम टू टाइम जो है ना वो चीज़ों के बारे में जो है ना वो याद जो है वो दिलाती रहती है। फिर लास्ट में जो है वो जिस मंदिर पे गए तो वहाँ पे भी जितनी ऐतिहासिक चीज़ें जो है वो आपको देखने को मिली और जो है पीछे उसके जो एक स्टोरी थी वो आपको जो है वो सुनने को मिली। तो लिटरली आप जो है ना वो देखते हैं तो आपको सबसे पहले तो ये एक हैरानी होती है कि यार इतने लंबे समय से जो जो चीज़ें वहाँ पर पड़ी हुई हैं वो अभी तक बिल्कुल सही हैं और उन्हें जो है ना बहुत अच्छे तरीके से रखा गया है। अच्छा जो लास्ट में जो है वो बात कर रहे थे वो मेरे लिए काफ़ी नई चीज़ थी और मुझे उसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। हाँ मुझे भी इतना ज़्यादा समझ नहीं आया था दाऊजी महाराज हाँ। की जो बात कर रहे थे। लेकिन बीच में मैं ये बोलूँगी कि एक दो चीज़ें मेरे जहन में ही है जैसे कि हम लोगों ने ब्रह्मांड के बीच में बात की तो जब महाभारत में भी हम लोग देते हैं तो वहाँ पर भी लॉर्ड कृष्णा जी मतलब जो अपना एक अवतार दिखाते हैं उसमें भी तो ब्रह्मांड ही दिखाते हाँ, ना तो इसका मतलब ये है कि यशोदा मैया और अर्जुन मतलब इन दोनों ने विटनेस किया है मतलब लॉर्ड कृष्णा जी को हाँ मतलब उस रूप में। सो मैं ये मेरे लिए एक नई जानकारी क्योंकि मुझे पता था कि अर्जुन जी ने ही बस जो है वो मतलब ये देखा है। बट उसके साथ साथ एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि जो जैसे वो रास खान की मतलब समाधि है वहाँ पर गए सो मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि ये खूबसूरती जो है ना वो आपको सनातन धर्म में देखने को मिलती है कि किस तरीके से
हर मतलब उस इंसान की बात कर लें या उस जगह की बात कर लें या उस चीज़ की बात कर लें, किस तरीके से उसको एक तरह से प्रणाम किया जाता है या उसको वैल्यू किया जाता है, रिस्पेक्ट दी जाती है, ये हमें बहुत, मैं कहूँगी कि खूबसूरत मैसेज जो है वो आपको सनातन धर्म यार इसके साथ साथ जो है ना, यानी कि एक ये आपको एग्जांपल देखने को मिलती है और साथ में आप जब रथ यात्रा जो है वो देखते हैं पुरी में, जगन्नाथ पुरी में, तो वहाँ पर भी तो आपको ये एग्जाम्पल जो है जो देखने को मिलती है बिल्कुल, वो एक मुस्लिम जो थे, बिल्कुल सही बात है। वही मैं कह रही हूँ कि हम लोगों को टाइम टू टाइम ऐसे एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी हम लोगों ने आई थिंक वृंदावन की एक वीडियो देखी थी जिसमें एक मुस्लिम भक्त बिल्कुल था, हाँ, जो वहाँ पर जो है थी, लेडी थी आई थिंक, वो मेल नहीं था, नहीं फीमेल थी वो, आई थिंक वो गुजर रही होती हैं वहाँ से, अगर तुम्हें याद हो एक स्टोरी हम लोगों ने वो सुनी थी, पूरी वो जगह डेडिकेट की गई है उस वहाँ पे। सो मुझे नाम तो डेफिनेटली भूल गया हुआ, लेकिन ये कि मुझे थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट ज़रूर याद है कि हम लोगों ने इस तरह से देखा था, तो इस वजह से ये चीज़ जो है वो मेरे माइंड में आई। बाकी जो घाट हम लोगों ने देखा, जो डिफरेंट जगह देखी, बहुत खूबसूरत, और मैं कहूँगी कि एक इतिहास से भरी हुई जगह है। और खाने की मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी कि भाई हर जगह का खाने का जो एक चलन है वो काफ़ी डिफरेंट होता है। सही बात है। आई मीन अगर हम लोग जैसे सुबह में रोटी खाते हैं, लेकिन वहाँ पर जिस तरीके से कचौरी खाई जाती है, जलेबी खाई जाती है, कचौरी और उसके साथ साथ जिस तरह यार वो चार पांच चीज़ों आटों का जो मिक्सचर के जो है वो बनाया जाता है। चलो वो तो हम लोग भी ऐसे यहाँ पर करते हैं ना कि आटा मिक्स करके रोटी बना ली, लेकिन जो बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स को मिक्स करके भी सालन बनाया जाता है वो बिल्कुल एक नई मेरे लिए तो होती है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उसका टेस्ट कैसा होगा। बिल्कुल। और सरसों की भाई मैं फसल को, सरसों की फसल बहुत खूबसूरत लगती है, यहाँ पर भी आपको कहीं कहीं पर दिखती है ना उसके खेत दिखते बड़े खूबसूरत तो बहुत खूबसूरत लगते और भाई जलेबी के साथ आलू और चने का सालन ये भी मेरे लिए बहुत एक डिफरेंट अनुभव है। वैसे मजा आता ही होगा मुझे भी लगता है। जैसे जैसे हमने बात की थी जलेबी मीठी होती है तो उसके साथ नमकीन चीज जो है वो खाने का अपना ही एक आनंद होता है, तो मेरे ख्याल मजा आता होगा। क्योंकि मुझे ये याद है मेरा एक कजन था, तो मतलब अभी भी है लेकिन बचपन में वो क्या करता था कि जो चावल होते ना नमक वाले चावल, जो प्याज वाले चावल होते, उसके ऊपर वो चीनी डाल के खाया करता था, उसको बड़ा मजा आता था। फिर मैं अपनी वालदा को देखती थी कि वो क्या करती थी, ये जर्दे के ऊपर ग्रेवी डालकर, सालन डालकर खाया करती थी, उसको बहुत मजा आया करता था। वो मीठे नमकीन चावल तो मैंने भी खाए, बड़ा मजा आता था। मैंने वैसे कभी नहीं खाया चनों वाले चावल, चनों वाले चावल हो जाए साथ में थोड़ा सा वो मुरब्बों वाला जर्दा होता था ना, वो मिक्स करके खाते थे, बड़ा मजा आता था। तो वही कह रही हूँ कि मैंने ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखी, इसलिए मुझे लगता है कि जलेबी का और वो ग्रेवी का ना मजा आता है। एनीवे गाइस आप जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इसी के साथ बाय।